एनिमे और इंडिया का काफी ज्यादा पुराना रिश्ता है, या फिर मैं कहूँ था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर एनिमे इंडिया में आता और इंडियन टीवी पे दिखाया जाता तो बाकी कार्टून्स का क्या हाल होता। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे और एनिमे मिर्ची के पहले कोलैब वीडियो में। और आज मैं कुछ ऐसी बकवास चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि हमें इंडिया में दिखाई जा रही है, जैसे कि इंडियन कार्टून्स। ये लोग अभी भी पोपाई के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, जैसे कि पोपाई में पालक खाके ब्लूटो को मारता रहा, वैसे ही इनमें कोई लड्डू खाके ताकतवर बन जाता है, कोई समोसा खाके ताकतवर बन जाता है, और ये टकलू तो वन पंच मैन ही बन जाता है, और छोटा भीम की तो बात ही करना बेकार है यार। इनकी अगर मैंने एक छोटी सी क्लिप भी इस वीडियो में यूज कर ली तो सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं, और अगर मैंने छोटा भीम के खिलाफ इस वीडियो में ज्यादा बोला तब भी वो स्ट्राइक ही मारेंगे। क्यों? क्योंकि इनसे सहा नहीं जाता है अगर कोई इनके खुले में हगे हुए काम को कोई क्रिटिसाइज करे। खुले में हगना बंद करो, बाहर में जो हगेगा अपना गूं खाएगा, बाहर में जो हगेगा अपना गूं खाएगा, बाहर में जो हगेगा अपना गूं खाएगा। अब इतनी सी बात तो इनको भी समझनी चाहिए यार कि अगर आप कोई बेकार चीज बना रहे हो तो लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे करेंगे, लेकिन ये बात ग्रीन गोबर के दिमाग में नहीं जाती है। अब जो इंडिया में जो कार्टून बनते हैं या तो ऐसे बनते हैं मोटू पतलू या फिर छोटा भीम जैसे, अगर इनको कोई अच्छा एनिमेशन निकालना होता है तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ भगवानों के ऊपर एक एनिमेटेड सीरीज या फिर कोई कार्टून मूवी बना देते हैं। मतलब यार खुद का कुछ अलग करो यार, कुछ ओरिजिनल चीज लाओ, बढ़िया सी चीज लाओ। हम लोग यहाँ पे है सपोर्ट करने वाले। पहले जो हेट वाली वीडियोस बनती थी वो सारी आपके सपोर्ट में बनेगी, पर आपको एक बार ट्राई तो करना चाहिए ना। देखो मैं छोटा भीम को हेट करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ यार कि आप भी हेट करो। मुझे छोटा भीम सिर्फ इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मुझे उसकी स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि छोटे भीम की कोई भी मूवी आए, यूट्यूब पे कुछ भी रिलीज हो तो उसको भर भर के डिसलाइक मत दो यार। अगर आप उसे पसंद नहीं करते हो तो वो अपनी हेट अपने पास रखो, क्योंकि डिसलाइक करने से कुछ भी नहीं होगा, उल्टा तुम लोग उन्हें व्यूज ही दे रहे हो, तो यार इस चीज का कोई फायदा नहीं है। और अब मैंने छोटा भीम की तरफ इतना कुछ बोल दिया है, और अगर तब भी ये ग्रीन गोबर वाले मुझे कॉपीराइट देते हैं तो फिर। और अब बात करते हैं इंडियन टीवी सीरियल्स के बारे में। जरा सोचो एक बार यार, क्या होता अगर एनिमे म्यूजिक इन टीवी सीरियल्स के अंदर होता। कोई प्रॉब्लम है क्या? और क्या होता एनिमे के अंदर इन टीवी सीरियल्स का म्यूजिक होता। आई गेस श्योर व्हाट आई सेड वाज आई लव यू नारुतो। नहीं 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 नहीं, हमारा एनिमे जैसा है ना हमें वैसा ही पसंद है। और मैं यार ये सब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एनिमे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन टीवी सीरियल्स सच्ची में बहुत ज्यादा खराब होते हैं। अब जरा इस क्लिप पे ध्यान दो, ताली बजाओ भैंचो। मतलब ऑलमोस्ट सबके रिएक्शन दिखा दिए,
और वो बंदी ऊपर से नीचे गिरते हुए तीन चार विवान विवान चिल्ला दी। मतलब यार ग्रेविटी का तो उनका घंटा ही नहीं पता कुछ भी। मैं इस क्लिप को पहली बार देखने के बाद अपने आप को संभाल ही रहा था, लेकिन फिर अचानक से मुझे किसी ने ये क्लिप और भेज दी। अब तुम भी उस क्लिप को जरूर देखोगे मेरे साथ में। मैंने भी सहा, अब तुम भी सहोगे। यहाँ पे तुम लोगों को लग रहा होगा कि सस्ता कटप्पा अभी टाइटन में बदल जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ अलग ही प्रकार की बकचोदी होने वाली है। क्या था ये? ये इंसान है कि मानवर है? तो कुल मिला के ये सारी बकचोदी हमें टीवी पे दिखाई जाती है, लेकिन हमारा एनीमे नहीं दिखाया जाता। और एनीमे दिखाए भी जाते तो कैसे दिखाए जाते? शिनचैन और डोरेमोन टाइप के, टोक्यो गूल जैसा एनीमे आए तो। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को हमारा पहला कोलैब पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक एनीमे मिर्ची को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके करो यार, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया मीम्स उसके चैनल पे मिलेंगे आपको। और अभी उसने रिसेंटली एक वीडियो रिलीज करी है एनीमे ऑन गांजा, जिसमें आपको भर भर के मीम मिलेंगे। तो जाओ यार वो भी वीडियो देखो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया यार आपका। और सैयन लौंडा और एनीमे मिर्ची की तरफ से आपको ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल यार बहुत ही ज्यादा कमाल का था, और ये वीडियो मेरी इस साल की लास्ट वीडियो थी। तो यार आप सबका इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। एंटरटेनमेंट कौन नहीं चाहता? लेकिन क्या देखकर? चौदू भीम आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी।